24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर ड्राई वेदर प्रिवेल हुआ है। अगर हम बात करें मिनिमम टेम्परेचर की, सबसे कम लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर रात का तापमान फुलवानी जो कि प्लेन स्टेशन है 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, हिल स्टेशन जी उदयगिरी में 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर हम बात करें भुवनेश्वर में तो भुवनेश्वर टेम्परेचर जो है मिनिमम टेम्परेचर भुवनेश्वर का 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और मैक्सिमम टेम्परेचर भुवनेश्वर का 37.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके बाद कटक का भी जो मैक्सिमम टेम्परेचर 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और मिनिमम टेम्परेचर कटक का 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें मिनिमम टेम्परेचर के 24 आवर चेंज की तो उसमें फुलवानी में सबसे ज्यादा नेगेटिव में जो चेंज आया 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उसके अलावा बारीपदा केवंझर में भी नेगेटिव चेंज देखा गया है। गोपालपुर में पॉजिटिव में 24 आवर चेंज देखा गया 4.5 डिग्री सेल्सियस का। नैनीताल में 3.5 डिग्री सेल्सियस का चेंज देखा गया वो भी पॉजिटिव में है। उसके बाद भुवनेश्वर में -1.3 डिग्री सेल्सियस और कटक में 2.5 डिग्री सेल्सियस का 24 आवर चेंज देखा गया मिनिमम टेम्परेचर में। इसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम टेम्परेचर सामान्य से डिपार्चर कितना हुआ है, तो जिसमें पॉजिटिव डिपार्चर जाए मतलब सबसे ज़्यादा डिपार्चर बोलांगीर में 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें मिनिमम टेम्परेचर की नेगेटिव में डिपार्चर की तो झारसुगुड़ा में सबसे ज़्यादा -2.7 डिग्री सेल्सियस का डिपार्चर देखा गया है। भुवनेश्वर में +1.5 डिग्री सेल्सियस का और कटक में +2.9 डिग्री सेल्सियस का डिपार्चर देखा गया मिनिमम टेम्परेचर में। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम ना होने की वजह से अगले 5 दिन तक ड्राई वेदर रहने की संभावना है। उसके अलावा क्योंकि बे ऑफ बंगाल में एक एंटीसाइक्लोन बनता हुआ दिख रहा है जिसकी वजह से शैलो टू मॉडरेट फोग उड़ीसा में एक दो स्थान कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक दो स्थानों पर होने की संभावना है अगले 3 दिन तक। इसीलिए आज यानी 23 तारीख को डे 1 में अनुगुल, ढेंकनाल, जयपुर, भद्रक, कटक, खुर्दा में एक दो स्थानों पर डेंस फोग होने की संभावना है, इसलिए यहाँ पर येलो वार्निंग दी गई है। इसी प्रकार 24 तारीख को भी अनुगुल, ढेंकनाल, कटक, खुर्दा, पुरी, जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में डेंस फोग एक दो स्थानों पर हो सकती है, इसलिए येलो वार्निंग दी गई है। 25 को भी ढेंकनाल, कटक, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और भद्रक में डेंस फोग हो सकते हैं एक दो स्थानों पर, इसके लिए यहाँ पर येलो वार्निंग दी गई है। अगर हम बात करें मिनिमम टेम्परेचर के अगले 5 दिन के फोरकास्ट की तो मिनिमम टेम्परेचर में अगले 4 से 5 दिन तक ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है। इसी प्रकार मैक्सिमम टेम्परेचर में अगले 3 से 4 दिन तक ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन उसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादातर स्थानों पर उड़ीसा में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकने की संभावना है।